मंगलवार को राज्यसभा में साउथ बनाम बॉलीवुड पर बहस शुरू हो गई। दरअसल मौका था राज्यसभा में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले ट्रिपल आर और द एलिफेंट विस्पर्स को बधाई देने का। इसी दौरान एमडीएमके और एआईएडीएमके के नेताओं ने उत्तर दक्षिण का मुद्दा छेड़ दिया। बस फिर क्या था, जया बच्चन ने भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के तौर पर सभी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। बता दें कि एमडीएमके के नेता वाइको ने संगीतकार एआर रहमान की पिछली ऑस्कर जीत की याद दिलाई। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आर रहमान जो तमिलनाडु से हैं, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया। एआईडीएमके नेता एम थंबीदुराई ने भी बीच में टोकते हुए कहा, डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को ऊटी में शूट किया गया था और मुझे इस बात पर गर्व है। तभी राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने ट्रिपल आर और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को बधाई देते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उत्तर से हैं या पूर्व से हैं, दक्षिण से हैं या फिर पश्चिम से हैं, वे सभी भारतीय हैं। मैं यहाँ अपनी फिल्म बिरादरी के लिए गर्व और सम्मान के साथ खड़ी हूँ, जिन्होंने कई बार इस देश का प्रतिनिधित्व किया है और कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। ट्रिपल आर के लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद केवल पटकथा लेखक ही नहीं हैं, वे कहानीकार और इस सदन के सदस्य भी हैं। ये एक बड़े सम्मान की बात है। वहीं जब सभा में मौजूद किसी सांसद ने जया बच्चन को बीच में टोक दिया तो जया बच्चन ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, ये बीच में टोकने की बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है। जब कोई सभ्य बात कर रहा हो तो असभ्यता नहीं दिखानी चाहिए, आवाज़ हमारे पास भी है। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ ने अभिनेत्री को शांत कराते हुए कहा, मैडम आपकी आवाज़ नहीं बुलंद आवाज़ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।